दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे केमिकल के बारे में बताऊंगा जो कि जो अगरबत्ती परफ्यूम में दोस्तों फिक्सेटिव का काम करता है। और अगर हम दोस्तों इसे अगर अगरबत्ती बनाते समय अगर हम प्रीमिक्स के अंदर डाल दें तो जो इसकी जो फ्रेग्रेंस है दोस्तों काफ़ी समय तक काफ़ी ज़्यादा रूम में बनी रहती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा देर घंटों तक बनी रहती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज बात जो करने जा रहा हूँ वह है केमिकल, उसका नाम है जैस्मिन पाउडर दोस्तों, जिसे हम फिनाइल एथेटिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों चलिए मैं बात करता हूँ इसका इसके जो अपीरेंस के बारे में। मेरे सामने ये रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का आपको मिलता है। ये दोस्तों दो वेरिएंट में आता है, आपको पता हो जो जो जानते हैं यूज़ कर रहे हैं उनको पता होगा, जो नए नए अगरबत्ती इंडस्ट्री में हैं उनको नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता दूँ ये जो केमिकल है यानी जो जैस्मिन पाउडर होता है दोस्तों दो वेरिएंट में आता है, एक होता है डले की शेप में और एक कहता है दोस्तों पाउडर शेप में। आप देख सकते हैं ये वाला, तो ये मेरे पास में जो पाउडर रखा हुआ है, तो जो डलेके वाली शेप में आता है दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो जो हमारे जो यूपी में जो जो दोराल के पास जो शुगर मिल है दोस्तों वहाँ पे बना करता है। तो मैं आपको बताता हूँ जो इसके जो नोट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों। इसका जो नोट होता है वो जैस्मिन जो नोट होता है ना, जो जैस्मिन के अंदर से जो फ्रेग्रेंस आती है तो वो इसका जो नोट होता है, और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों हैवी होता है और काफ़ी ज़्यादा तीखा नोट होता है इसका। अगर आप दोस्तों अगरबत्ती प्रीमिक्स के अंदर दोस्तों डालेंगे इसे तो अगरबत्ती के अंदर दोस्तों जो अलग सी जो जो शार्प जो फ्रेग्रेंस आती है वो इसके डालने पर आती है। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि जो अगरबत्ती के प्रीमिक्स के अंदर जो जिसका यूज़ कैसे किया जाता है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप वहाँ जाकर जो जितने भी जो मैंने इसको यूज़ करने का तरीका वहाँ पर बता रखा है, तो आप वहाँ पर जाके वो फार्मूला देख सकते हैं मैंने जो जो ये जो जैस्मिन पाउडर का यूज़ करके वहाँ पर अगरबत्ती का प्रीमिक्स वहाँ पर कैसे बनाया हुआ है। तो आइए बात करते हैं कि जो और जो इसके यूज़ हैं वह कहाँ कहाँ किए जा सकते हैं, यानी एज ए फिक्सेटिव हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अगरबत्ती के अंदर, अगर हम जैस्मिन का परफ्यूम बनाने के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों हमारे को ये जो जैस्मिन पाउडर बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो जैस्मिन का जो बेस होता है जिसे कहते हैं दिल हार्ट दोस्तों, ये जैस्मिन पाउडर होता है, जो जैस्मिन की जो फ्रेग्रेंस होती है वो काफ़ी देर तक इसी केमिकल के कारण बनी रहती है जो कमरों के अंदर दोस्तों काफ़ी देर तक। तो मैंने आपको जो इससे पहले सीरीज में जो मैंने आपको बेस नोट बताया था, यानी जो एक हमने अगरबत्ती जला तो उसके लगभग 60 घंटों के बाद भी जो फ्रेग्रेंस बनी रहती है, तो किसके बाद में बनी रहती है दोस्तों, ये जो फिक्सेटिव मैंने आपको बताया जैस्मिन पाउडर, इसके कारण बनी रहती है। अब आइए बात करते हैं जो हम इसका जो परफ्यूम में कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जैसे हम परफ्यूम को बनाएंगे, तो अगर हम इसका इसे हम परफ्यूम बनाते समय अगर बेस में डालेंगे, यानी परफ्यूम बनाते समय हमने किलो दो किलो अगर हमने अगरबत्ती के फार्मूले में डाल दिया, तो यकीन माने दोस्तों ये एज ए फिक्सेटिव ही काम करता है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं क्योंकि इस सीक्रेट को छुपाते हैं, ये एक तरह से अगरबत्ती का फिक्सेटिव रूप में ही जाना जाता है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं, मैंने आपको परफ्यूम के बारे में बता दिया, यानी परफ्यूम बनाते समय अगर आप इसे अपने परफ्यूम में डालेंगे, कोई भी मतलब नहीं, केवल जैस्मिन के परफ्यूम में दोस्तों काम आता है, क्योंकि ये जो इसका जो नोट होता है बहुत ज़्यादा तेज होता है, बहुत ज़्यादा तीखा नोट होता है, और दोस्तों एकदम जलाने पर दोस्तों इसकी अलग ही टोन आती है। यकीन माने दोस्तों जो 8-10 साल से दोस्तों हम इसे यूज़ कर रहे हैं, और जो ये केमिकल है, बल्कि मैं इससे भी ज़्यादा मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी 15-20 साल से ही इस केमिकल को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे इसके मुकाबले दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग जो केमिकल है दोस्तों मेरे नज़र में अभी तक कोई नहीं आया, क्योंकि इससे जो ये सस्ता भी है, जो जैस्मिन बनाने के जितने भी केमिकल आते हैं ये सस्ता भी और फिक्सेटिव के रूप में अगर आप इसे डालेंगे तो बहुत जगह काम आता है। तो मैंने आपको इसका परफ्यूम में भी यूज़ बता दिया, अब आइए बताते हैं अगरबत्ती में कितना यूज़ करना है। अगरबत्ती में दोस्तों इसकी जो मात्रा आप 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा 50 ग्राम से दोस्तों ज़्यादा यूज़ मत करिएगा, नहीं तो जो इसका जो नोट होता है वो पूरी की पूरी जो अगरबत्ती होती है तो उसका जो जो नोट दोस्तों काफ़ी बिगाड़ सकता है। तो मेरे आपको सलाह है आप 10 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक ही इसे इस्तेमाल कीजिए। अब आइए बात करते हैं इसको जो धूप बत्ती में कितना यूज़ करना है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों धूप बत्ती में भी इसका यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, वही मात्रा है मैंने आपको बताई 10 ग्राम से लेके दोस्तों 50 ग्राम तक यूज़ कर सकते हैं, बल्कि मैं सलाह दूंगा आपको यहाँ 50 ग्राम नहीं 10 ग्राम ही यूज़ कीजिए, काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बूस्टिंग वाला केमिकल होता है, और जितने भी अगर हम बेस में अगरबत्ती में डालते हैं ये उसमें धूप बत्ती में डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जो अपनी धूप बत्ती के फ्रेग्रेंस को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देता है। तो एज ए फिक्सेटिव धूप बत्ती बनाते समय या फिर अगरबत्ती बनाते समय आप इसे इस्तेमाल करते हैं कर सकते हैं।
दूसरी तरफ दोस्तों बात करते हैं कि सांबरानी कप बनाते समय कैसे इस्तेमाल करना है। सांबरानी कप बनाते समय दोस्तों मात्र 5 ग्राम डालना है। जी हाँ दोस्तों, मैं ज़्यादा भी डाल दिया करता हूँ दोस्तों जब मेरे को रिजल्ट अच्छा नहीं लगता, तो अब मैंने बताया आपको 5 ग्राम से लेके आप 10 ग्राम तक दोस्तों डाल सकते हैं, चाहे वो अगरबत्ती है, चाहे वो धूप बत्ती है, चाहे वो सांबरानी कप है। दोस्तों आप चेक कर लीजिए कि आप 5 ग्राम डालने पर क्या फ्रेगनेंस बन रही है, 10 ग्राम डालने पर क्या फ्रेगनेंस बन रही है, और 20 ग्राम डालने पर दोस्तों क्या फ्रेगनेंस बन रही है। तो मेरे को आप मैंने आपको इस केमिकल के बारे में बताया कि जो जितने भी जैस्मिन से रिलेटेड फ्रेगनेंस है, एज ए फिक्सेटिव जैस्मिन पाउडर यूज़ किया जाता है। इसका दूसरा नाम फिनाइल एथेटिक एसिड भी है। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा जैस्मिन पाउडर से रिलेटेड। दोस्तों जितने भी जो परफ्यूमर है दोस्तों कभी नहीं बताया करते हैं कि एज ए जैस्मिन पाउडर एक कमाल का फिक्सेटिव है, जिससे आपने परफ्यूम में, अगरबत्ती में, या फिर सांबरानी कप या फिर धूपबत्ती में इस्तेमाल करके दोस्तों गजब की खुशबू पा सकते हैं। और जो इसकी जो फ्रेगरेंस है दोस्तों, यकीन मानिए कई घंटों तक बनी रहती है। हम इसे 20 साल से यूज़ कर रहे हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने एक जो जैस्मिन पाउडर आपको बताया ये वाला, इसके बारे में दी, क्योंकि ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर हम जैस्मिन का जो फ्रेगनेंस बनाने जा रहे हैं या फिर हम जैस्मिन के अगरबत्ती का प्रीमिक्स बनाने जा रहे हैं तो हम कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करें, जिसे यूज़ करने के बाद में जो हमारी जो अगरबत्ती की जो फ्रेगनेंस है एक तरह से फिक्स हो जाए, जिसे कि फिक्सेटिव भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। एक छोटी सी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपका आप जैस्मिन पाउडर पहले से यूज़ कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों कुछ भी कोई सवाल इस संबंधित पर पूछ सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, यानी अगरबत्ती परफ्यूम से रिलेटेड जितने भी केमिकल है दोस्तों, मैं उस पर एक एक दोस्तों केमिकल पर छोटी छोटी सी वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन ऑल है उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के साथ में दोस्तों जो आपको एक जो ऑल पे जो बटन आता है उस पर क्लिक करके दोस्तों चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक ऐसी छोटी सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।